गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का यूनिट 1 का चैप्टर 3 देख रहे हैं। डाटा प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके थ्रू इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बाइनरी के बारे में, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर ईटीसी, इसमें टू डिफरेंट नंबर्स के बीच कैसे कन्वर्जन किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इनकोडिंग होता है ASCII, ISCII, यूनिकोड के बीच। आगे हम देख रहे हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इसमें क्या होता है, इसमें डाटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर के इनसाइड। कंप्यूटर दो चीज़ ही समझ सकता है, बाइनरी नंबर 0 और 1, और इसमें हम देखेंगे कि ईजिली आइडेंटिफाई करता है सैम्बल, जिसे हम डिजिट कहते हैं। नंबरिंग सिस्टम, ईच नंबर सिस्टम हैज ए बेस, सारे नंबर सिस्टमों का एक बेस है जिसे क्या कहते हैं, रेडिक्स। ए डेसिमल नंबर इज ए सिस्टम, डेसिमल नंबर का क्या होता है बेस, 10। बाइनरी सिस्टम का बेस क्या होता है, 2। ऑक्टल का क्या होता है बेस, 8। हेक्साडेसिमल का क्या होता है बेस, 16। और दी वेरी बेसिस, अब इन बेसिस को बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैक्सिमम नंबर कैसे काउंटिंग करते हैं, द नंबरिंग सिस्टम अलाउ बेस 10, वी कैन काउंट फ्रॉम 0 to 9, इसे कैसे हम काउंट करते हैं 0 to 9, इसमें 10 डिजिट होते हैं। हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे कैसे बाइनरी है, ठीक है, बाइनरी नंबर जो हैं वो देखेंगे। बाइनरी नंबर के बेस क्या होते हैं, 2। इसमें सैम्बल्स क्या यूज होते हैं, 0 1। ऑक्टल में क्या यूज होते हैं बेस, 8। और ये क्या होता है, 0 से लेके 7, तो अगर काउंट करेंगे तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। डेसिमल के बेस कितने होते हैं, 10, और ये 0 to 9 तक आते हैं। हेक्साडेसिमल को के बेस 16 होते हैं, इसमें 0 से 9 तक ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को 11 से, सी को 12 से, डी को 13 से, ई को 14 से, एफ को 15 से, ठीक है। फिर आगे हम कन्वर्टिंग पढ़ेंगे कि कैसे हम एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग ए नंबर फ्रॉम बेस टू अनदर, ठीक है। अब बाइनरी को कैसे डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले हम स्टार्ट करेंगे राइट से, ठीक है, राइट से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे बाइनरी बेस क्या होता है, 2 होता है, तो करंट पोजीशन हम स्टार्ट करते हैं 0 से, फिर इंक्रीजेज करते हैं एक एक टाइम, ठीक है, और पावर ऑफ 2, ठीक है। सम ईच टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अंटिल ऑल बिट्स हैव बीन यूज, इसमें हम कैसे करते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये बाइनरी नंबर है 1 0 1 0 1 1, आपको पहले भी बताया है बाइनरी को 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसको क्या करते हैं डेसिमल में करना है, ठीक है। तो अब हमने कहा था कि राइट साइड से लेना है, तो ठीक है, ये जो 1 है राइट साइड से लेना है, तो ये देखिए 1 जो है ये राइट साइड से, तो यहाँ पे राइट साइड से 0, और इस टाइम हम क्या करेंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये 1 जो है ये 2 पे 1 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा 2 पे 2 हो जाएगा, फिर ये जो 1 है इसके लिए 2 पे 3 हो जाएगा, ये 0 है 2 पे 4 हो जाएगा, ये क्या है 2 पे 5 हो जाएगा, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर इधर भी देख रहे हैं, तो इसमें हम पहले करेंगे, इसको लेंगे राइट से, फिर 0 लेंगे, फिर इसमें 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, और इसमें पहले इसका जो फर्स्ट नंबर है 1 उसको तो लिखेंगे, लेकिन इसमें जो आपका देख रहे हैं उससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे उसके 2 पावर से, ठीक है। फिर जो आएगा उसको हम डेसिमल में लिख देंगे, उसका बेस डेसिमल का बेस 10 लिख देंगे, ठीक है। अब बाइनरी फ्रैक्शन को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करना है इसे, तो सबसे फर्स्टली हम मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, किधर से भी किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से करेंगे
तो यहाँ से हम ले रहे हैं वन से, इसमें हम क्या करते हैं कि प्लस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू वन टू टू, ठीक है। एक सेकेंड, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वन वन जीरो वन, ठीक है। इसमें एक लग रहा है कम हो गया है क्या, और ये पॉइंट वन, ठीक है। ये कुछ अलग तरीके से लग रहा है कि सही नहीं है। तो आप देख रहे होंगे इसमें हमको लग रहा है कि ये सिर्फ एक ही दिया है, इसमें वन, इस वन को हटा दिया गया, इस वन को कुछ नहीं समझ रहा है, ये आगे कन्वर्ट कर दिया है क्या, ठीक है। ये लग रहा है कुछ मिस्टेक है क्या प्रिंटिंग इसकी। अब आप देख रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी में आप देख रहे हैं इसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे डिवाइड द डेसिमल बाय टू, टेक द रिमाइंडर, रिकॉर्ड इट ऑन द साइड। इसमें हम क्या कर देंगे, टू से डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे टू से डिवाइड कर रहे हैं उस तरीके से, ठीक है। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे वन कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर 125 को बाइनरी में। तो ये देखिए टू से डिवाइड किया गया है, जब तक लास्ट तक जीरो नहीं आ जाता है इसके शेष पर तब तक, फिर आप देख रहे हैं आंसर इसको किया गया है। ये क्या हो गया, कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में। ये जैसे 125 है तो 2 से किए तो 64 आया, 2 से 32 आया, 2 से 16 आया, 2 से, ये रिमाइंडर क्या कर रहा है, रिमाइंडर एक एक क्या करेगा, देता जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये 125 ले लिए, इसको 2 से डिवाइड किए तो 62 आया, इसका क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 2 से किए तो 32 आया, अरे ये 31 आया, तो फिर कितना रिमाइंडर आया, 0। फिर 2 से करेंगे तो 15, यहाँ पे कितना है, 1। 2 से करेंगे तो 7, 1। 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 1। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे 2 को यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे फिर आप 2 करेंगे तो यहाँ पे 1, ये 1। तो इस तरीके से हम ऐसे एरो को लिख देंगे 1 1 1। फिर यहाँ पे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो हम 2 लिख दिए, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद इसके जो रिमाइंडर आए उसे हम लिख के बेस 2 लगा देंगे, ठीक है। कन्वर्टिंग डेसिमल टू डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कन्वर्ट 0.75 बेस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो गिवन फ्रैक्शन है 0.75। इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 0.75 बाई 2 से करेंगे, तो इसमें 1.50 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 बाई 2, फिर 1.00 आ गया ना। फिर हम डेसिमल नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर आप देख रहे होंगे इसमें यहाँ पे 0.75, 1.50 और 1.00 आया, ये आपका आया 0.11। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो कन्वर्ट हुआ है 0.75 वो 0.11 आया बाइनरी नंबर सिस्टम में। फिर हम देखेंगे एग्जांपल इसका कैसे ये कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट 105.15 टू बाइनरी में। तो इसमें पहले कन्वर्ट क्या हुआ, 105 फर्स्टली हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को बाइनरी में, तो इसमें 0.15 इसका बेस 10 है, तो बेस 10 है, तो फिर इसमें देखेंगे मल्टीप्लाई 0.1 बाई 2,
तो 0.30 है, 0.30/2 0.60 है, मल्टीप्लाई 0.60/2 1.20 है, मल्टीप्लाई 0.20/2 तो 0.40 आया। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे ही मल्टीप्लाई सारे हुए। ठीक है, 0.1 को फिर जो 0.3 आया इसका, इसको तब तक डिवाइड करेंगे। इस तरह हम डिवाइड किए जब तक हमें रिमाइंडर इसका नहीं मिल गया। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू ना आ गया इसका। फिर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 105.5, इसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसका 0.5 का इतना आ गया और 105 का इतना आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आउटपुट दे चुका है। अब डेसिमल टू ऑक्टल को देखेंगे। द मेथड टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट, इसमें डिवाइड क्या करते हैं, डेसिमल को 8 से करते हैं। इसमें जो रिमाइंडर आएंगे वो रिकॉर्ड साइट की तरफ लिखेंगे द क्वांटिएंट बाई 8। ठीक है, इसमें रिपीट अंटिल डेसिमल नंबर कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, इसमें जो रिमाइंडर होते हैं रिकॉर्ड के थ्रू रिवर्स ऑर्डर में लिखते रहेंगे। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 125 को 8 से डिवाइड किया गया तो ये आपका दिया गया। ठीक है, फिर उसके आगे आप देख रहे हैं कि जितना ये आया हम इसे ऐसे नीचे से ऊपर बॉटम से ऊपर की तरफ लिख के बेस 8 लगा दिए। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। फिर कन्वर्टिंग हमें डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। ये 0.7510 है, ये डेसिमल टू क्या करना है, ऑक्टल में। ठीक है, तो इसमें गिवन फ्रैक्शन है 0.7 मल्टीप्लाई 0.75/8, ये 6.00। रीडिंग द इंटीजर फ्रॉम टॉप टू बॉटम 0.75 इन डेसिमल नंबर सिस्टम, 0.6 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम। ठीक है, फ्रैक्शन 0.75 है, इसमें हम मल्टीप्लाई किए तो 8 से, तो 8 से डिवाइड किए तो इसमें आ गया 75। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम, बस सिस्टम इज 0.36। ऑक्टल टू डेसिमल मेथड को हम देखेंगे। ऑक्टल टू डेसिमल नंबर राइट मोस्ट, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। ठीक है, इसकी पोजिशनिंग 0 एंड इंक्रीज करती जाएगी इस टाइम 8, रिप्रेजेंट करेंगे पावर ऑफ 8 प्रोडक्ट टर्म्स अंटिल ऑल बिट्स हैव बीन यूज्ड। इसमें 3-1 आप देख रहे हैं, 8 से डिवाइड करनी है। राइट साइड से इसमें 0 लेते हैं, इसमें इस टाइम बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो आप करेंगे हम 3×8 पे के पावर 2 प्लस 2*81 फिर प्लस 1×80 और 80 पे अगर 1 रहता है तो 1 रहता है, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। हमें ऑक्टल टू डेसिमल करना है तो बेस 10 लिख लेंगे। आगे हमें ऑर्डर्ड फ्रैक्शन टू डेसिमल देखना है। ऑर्डर्ड फ्रैक्शन टू डेसिमल, इसमें कन्वर्ट करते हैं 23.2582 टू डेसिमल। ठीक है, इसमें 2325 है, यहाँ से हम लेते हैं 0.2, यहाँ से राइट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये माइनस लेते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड प्लस में। ये 3×80 है और 2×81 है, 2 और इधर माइनस से स्टार्ट होता है -1 से। ठीक है,
फिर आप आंसर देख रहे होंगे कि ये कैसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये ऑक्टल से ऑक्टल फ्रैक्शन से डेसिमल में आ गया। इसका आंसर बेस 10 लगा दिए। अब डेसिमल को हेक्सा डेसिमल में करना है, इसमें कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल का बेस 16 होता है, डेसिमल का 10 होता है। ठीक है, इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं हेक्सा डेसिमल नंबर। ठीक है, जैसे 300 का करना है हमें, तो पहले 16 से डिवाइड करते हैं, इसका जो रिमाइंडर आए वो लिखें, फिर आप आंसर देख लेंगे। अब कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हेक्सा डेसिमल में करना है, तो 0.10 हेक्सा डेसिमल है, तो हमें क्या करेंगे, उसको 16 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 12.00C हेक्सा डेसिमल नंबर। अब हेक्सा डेसिमल नंबर टू डेसिमल, इसमें हेक्सा डेसिमल नंबर में सबसे पहले हम लेंगे राइट से करेंगे, इसमें 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे ए भी है, तो इसमें 16 से और राइट से स्टार्ट करेंगे, तो इसका सबसे पहले बी का 0 और ये ए का 1। ठीक है, फिर ए इंटू 16 से हमें डिवाइड करना है, 16 हो गया 0। फिर हेक्सा डेसिमल फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन वाले चीज़ को हमें डिवाइड करना है, तो हमने आपको बताया था यहाँ से ये जो लेफ्ट वाला, यहाँ से 0 होता है, बेस लेते हैं 1 लेते हैं, और ये जो पॉइंट राइट वाला है उसमें -1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिवाइड किया तो बेस 10 हो गया। ठीक है, बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल, इसमें 0 से 9 तक तो सही है, फिर इसके बाद हम देखेंगे ए को 10 से, बी को 11 से, सी को 12 से, डी को 13 से, ई को 14 से, एफ को 15 से। मेथड टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर टू इट्स हेक्सा डेसिमल वैलेंट, बाइनरी नंबर के ग्रुप्स हम करेंगे, ग्रुप्स में 4-4 लेंगे हेक्सा डेसिमल नंबर, लेकिन इसमें हम हेक्सा डेसिमल में 4-4 के ग्रुप्स तैयार करेंगे जो कन्वर्टेड करेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें पहले ये था, तो सबसे पहले हम राइट से स्टार्ट करेंगे, तो राइट से यहाँ तक क्या हुआ, 4 हो गया, और इसमें 4 नहीं बन रहा है, तो आगे हम 0 लगा देंगे, तो आप देख रहे हैं 0100 0100 इसमें हम नोट कर लेंगे कैसे मतलब हमें करना है। फिर इसका क्या आ गया, 16 के बेस पे आ गया। ठीक है, फिर 1 1, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से भी आप ग्रुपिंग करेंगे 4-4 के, तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले हम यहाँ से ग्रुपिंग, ये 4 तो है ही, फिर यहाँ से हम करेंगे 0 0 1 1 को 1 में ले लिए, तो ये एक ग्रुपिंग हो गया, और इसके बाद एक अकेले है, तो इसमें 3 0 बढ़ा दिए, तो इसका 1 हो गया, और ये 11 0 0 है, ये सी का मान है, और ये 1 0 1 0 ये ए का है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1C.A16 हेक्साडेसिमल टू बाइनरी मेथड टू कन्वर्ट ए हेक्साडेसिमल टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। इसमें हम इस डिजिट को क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर में हम करेंगे बाइनरी इक्विवेलेंट एंड राइट देम इन 4 bits, कंबाइन इज अ 4-bit बाइनरी नंबर दैट इन रिजल्टिंग नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर है 10AF, बाइनरी इक्विवेलेंट में करना है, तो हम देख रहे हैं इन सब को 4-4 के मतलब इन सब के जितने हैं 4-4 bit में हम कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बेस आंसर लिख देंगे बाइनरी इक्विवेलेंट के थ्रू, फिर आप इसमें भी उसी तरह देख रहे हैं, फिर बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी हम देखेंगे कैसे इसमें है।